दोस्तों, एक तरफ फेमस मूवी सीरीज हैरी पॉटर का बसिलिस्क जो एक बार देखकर ही हर किसी का जान ले सकता है, और दूसरी तरफ टाइटनोबोआ जो कि 60 मिलियन साल पहले एग्जिस्ट किया करते थे। तो क्या होगा बद्री से जब ये दोनों आमने सामने आएंगे, इसी बात पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। क्या होगा जब दोनों टाइटनोबोआ बसिलिस्क से लड़ेंगे। इससे पहले हम शुरू करें, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इनमें से किसके जीतने की उम्मीद कर रहे हैं, हमें बताना ना भूलें। तो आइए टाइटनोबोआ से शुरुआत करते हैं, जो कि एक समय पर सच में दुनिया पर टाइटनोबोआ पाए जाते थे। टाइटनोबोआ आज से 60 मिलियन साल पहले इस पृथ्वी पर पाए जाते थे। टाइटनोबोआ इस धरती पर सबसे बड़ा और खतरनाक सांप मानते थे। इनकी लंबाई करीब 13 मीटर तक मानी जाती थी, जो कि लगभग एक बड़ा सा घर की बराबर है। और तो और इस सांप का वजन लगभग 2500 पाउंड माना जाता था। टाइटनोबोआ में इतनी ताकत हुआ करती थी कि किसी भी प्राणी को अपनी कुंडली में दबा कर किसी का भी जान ले सकते थे। जब ये ऐसे करते होंगे तब हर स्क्वायर इंच पर लगभग 400 पाउंड तक दबाव आ सकते हैं। टाइटनोबोआ के बारे में तो हम लोग जान लिए, आइए हम जानते हैं कि बसिलिस्क क्या कर सकते हैं। हालांकि ये भी सच है कि बसिलिस्क एक अल्पानिक सांप था, और इस बात पे अभी भी सहमति नहीं है कि उसका आकार और व्यास कैसा था। लेकिन ग्रीक में बसिलिस्क का मतलब होता है एक डरावने राजा। ग्रीक लेजेंड में बसिलिस्क एक छोटा सा रेप्टाइल था, जो कि ये एक ग्रीक सभ्यता के सांप के अंडे से निकला था। अगर ये सही में छोटा था जितना इसे ग्रीक लेजेंड में बताया गया है, तो टाइटनोबोआ से मुकाबला करना तो ये एक मजाक बन जाएगा। ये देखने में किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप ने अपने आकार से हजार गुना छोटा बसिलिस्क सांप को अपने दबाव पर मार दिया। कुछ लोगों का कहना है बसिलिस्क असल में एक बहुत बड़ा सांप था। यहाँ तक कि हैरी पॉटर सीरीज में इस सांप का लंबाई 50 फीट दिखाया गया है, जो कि टाइटनोबोआ से ज्यादा है। बसिलिस्क के पास ऐसा कोई शक्ति है जो कि टाइटनोबोआ के पास नहीं है। जैसा कि बसिलिस्क के पास इतना जहर होता है कि किसी भी इंसान या जानवर का जान ले सकता है। और तो और इसका आंखें इसका सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई भी इसकी आंखें एक बार देख ले तो उस प्राणी का उसी वक्त वही पे मौत हो जाएगी। अगर कोई इंसान से इनडायरेक्टली देख ले किसी शीशे की मदद से या पानी में, तो भी उस इंसान का पैरालिसिस हो सकती है। अगर ऐसा हालात में दोनों सांप एक दूसरे से लड़ते हैं, तो ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि कौन किस पर भारी होगा। टाइटनोबोआ कितने भी जोर से बसिलिस्क को दबा ले, लेकिन बसिलिस्क अगर एक बार टाइटनोबोआ के आंखों में देख ले तो पलक झपकते ही टाइटनोबोआ की खेल खत्म हो जाएगी। टाइटनोबोआ किसी भी हालत में बसिलिस्क की आंखों में अगर ना भी देख ले, फिर भी टाइटनोबोआ को पूरी तरह से पैरालिस्ट करने के लिए एक तिरछी नजर ही काफी है। अगर टाइटनोबोआ काटना शुरू कर दे तब भी बसिलिस्क को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टाइटनोबोआ में जहर नहीं होता। लेकिन अगर बसिलिस्क में एक बार काट लिया तो टाइटनोबोआ की जान जाना निश्चित है। तो दोस्तों, इतना कुछ हो सकता है। जब दो बड़े बड़े सांप एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो कैसा होगा, आप ही सोचिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो दिखा सके। धन्यवाद।